नमस्कार, आप सभी दोस्तों का स्मार्ट अनुभव स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ अमेजॉन किंडल पेपरवाइट की अनबॉक्सिंग, जो कि ये पोर्टेबल ई बुक रीडर है जिसमें आप थाउजेंड ऑफ बुक्स कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हो, जिसमें आप उसको आसानी से डाउनलोड करके इजिली पढ़ सकते हो। दोस्तों, ये है अमेजॉन किंडल पेपर वाइट ई बुक रीडर। तो दोस्तों, ये काफ़ी एक अच्छा डिवाइस है। तो चलो दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो चलो दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ऊपर से कट मारा, आप देख सकते हो। तो यहाँ से हमने इसको ओपन किया और बॉक्स को ओपन किया, देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। तो हमने देखा ये कागज़ के टुकड़े, इनको साइड करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है किंडल पेपर वाइट। तो दोस्तों, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप ही के लिए है। दोस्तों, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ से मैंने इसको ओपन किया तो आप देख सकते हैं किंडल पेपर वाइट। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिया गया है इसके बारे में। तो आप यहाँ पे इसका वो देख सकते हो, यहाँ पे किंडल कंपनी जो कि अमेजोन द्वारा है, यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है। और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ जो कि जापानीज में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ जापान में रहता हूँ, तो आपको जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया था, मैं यहाँ जापान में रहता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे सब जापानीज में लिखा है। अगर आप इसको इंडिया परचेज करोगे तो शायद उसमें इंग्लिश में लिखा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेन हाईलाइट यहाँ पीछे किया गया है, तो जो कि इसमें वाईफाई सपोर्ट है, 4GB इसकी मेमोरी है, और बाकी यहाँ पे इसके 300 PPI का जो पिक्सल डेंसिटी वो है, और बाकी यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे डिजिटल जापानीज में लिखा है, तो शायद समझ नहीं आएगा आपको। तो दोस्तों, इसको अंदर देखते हैं इस अंदर से दिखने में कैसा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जो यहाँ बॉक्स है अंदर से एकदम ब्लू है। तो हम इसको साइड करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है किंडल पेपर वाइट। आप देख सकते हो यहाँ पे अमेजोन की ब्रांडिंग है, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। दोस्तों, हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो और आप इस साइड से देख सकते हैं, साइड से यहाँ पे किंडल पेपर वाइट, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसको यूँ ही हिलाओगे तो यहाँ से ये शाइनिंग कर रहा है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर इसकी टेप है, जिसको ये सील है, इसको यहाँ से यूँ निकालना पड़ेगा जिससे ये खुल जाएगा। तो यहाँ से हम इसके आप देख सकते हो, तो यहाँ से हमने इसको यहाँ से ओपन किया, यहाँ से हमने इसकी सील को फाड़ा और यहाँ से हमने इसको ओपन किया, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा है। और आप देख सकते हो अंदर हमें मिलता है। तो हम यहाँ से इसको यहाँ से ऊपर किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों, ये रहा हमारा किंडल पेपर वाइट। हम इसको यहाँ पे साइड में करते हैं, देखते हैं अभी हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किंडल पेपर वाइट की जो इसकी गाइड मेन्यू है, इसके बारे में कैसे कैसे इसका यूज़ करना है। और यहाँ पे ये भी सेम उसी तरह की एक गाइड बुक जो कि जो भी मैं आपको बताया था, तो ये लगभग सेम ही है। और अंदर देखते हैं और क्या मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमें यहाँ पे USB चार्जिंग केबल, जिससे आप अपने किंडल को चार्ज करते हैं, जो ये नॉर्मल USB है। तो हम यहाँ पे इसको भी साइड करते हैं और देखते हैं और क्या है। तो और यहाँ पे कुछ खास है नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली एकदम। तो दोस्तों, हम इसको भी साइड कर देते हैं और देखते हैं हमारा जो किंडल है पेपर वाइट मेन चीज़, उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये हमारा किंडल पेपर वाइट जो कि ब्लैक कलर में है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें बताया गया कैसे कैसे आपने अपने किंडल को ऑन करना है, और यहाँ पे सब कुछ इसके बारे में अच्छे से बताया गया है। तो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे अमेजोन की ब्रांडिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और इस साइड देखें तो एकदम पेपर वाइट जो ये इंक डिस्प्ले होती है, इसमें होता क्या है कि इसमें कोई आँखों पे कोई जोर नहीं पड़ता जब इसको किताब पढ़ते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल स्क्रीन होती है काफ़ी ब्राइट होती है, जिससे आँखों में काफ़ी इसे इफेक्ट पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो ये स्क्रीन है कितनी ब्राइट है, तो इसमें आप देख सकते हो। तो ये एकदम जो इसका जो इंक है वो एकदम बुक का जो पेज होता है उसी के जैसा लगभग, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ये बुक के पेजेस हैं, तो एकदम नॉर्मल है दोस्तों। आप देख सकते हो लगभग वैसे ही आपको फील मिलेगा। तो होता क्या, जो आप बुक्स पढ़ते तो नॉर्मली फील होता है, इसमें भी सेम चीज़ वही है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो और वो सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लगभग ये फील सेम देता है, लगभग इक्वली। तो दोस्तों, यही सी खास चीज़ है किंडल पेपर वाइट की, जो कि अमेजोन द्वारा है। दोस्तों, यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया पावर ऑन का बटन नीचे दिया गया है यहाँ पे, जो कि इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ से हमने इसको प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किंडल पेपर वाइट ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये ओपन हो गया, बस सिंपल सा इसका यहाँ पे पावर बटन है, इसको दबाओगे तो ये आसानी से यहाँ पे ओपन हो जाएगा।
और वैसे देखा जाए तो ये पकड़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसको वन हैंड यूज़ कर सकते हो अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हो, लाखों बुक्स इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। होता क्या है जब आप इतनी मोटी बुक्स को लेके जाते हैं तो हमें उनको कैरी करने में काफ़ी दिक्कत होती है, आप देख सकते हैं कितनी मोटी बुक है तो काफ़ी ये मुश्किल बातें होती हैं। तो आप अगर आप बुक पढ़ने के शौकीन हो तो आपको बुक कैरी करने में काफ़ी दिक्कतें आती होंगी, तो जिसका अमेजोन ने समाधान निकाला कि आप पेपर वाइट को ईजिली अपने बैग में डाल के बुक पढ़ सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इतनी बुक्स कौन लेके घूमेंगे दोस्तों। वैसे मुझे एक बुक पढ़ने का काफ़ी शौक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे मुझे बुक्स मैंने रखी है कुछ सैम्पल के लिए, तो जो कि आप इससे भी ज़्यादा बुक्स आप इस छोटे से पेपर वाइट में डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपने क्या बोलते हैं लैंग्वेज चूज़ करेंगे, जिस लैंग्वेज में हम इसको देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट को चूज़ करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेस किया और यहाँ पे नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है। तो दोस्तों ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एक डिवाइस है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ये किंडल पेपर वाइट स्टार्ट हो चुका है, तो इसके यहाँ पे कुछ मेन फीचर्स हाईलाइट हुए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्क्रीन है जो उसका हाई रेजोल्यूशन है वो है 300 PPI डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें जो सेकंड फीचर हुआ है इसमें बुलेटिन लाइट, जिसमें जो लाइट है वो दी गई है। और इसमें जो तीसरा जो इसका फीचर है बैटरी लाइफ, एक बार चार्ज करोगे तो कम से कम इसकी बैटरी लगभग एक महीने के आसपास चलेगी, और जो आप इसको डेली चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट किया और इसको आपने वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, तो हम इसको यहाँ से अपने वाईफाई से इसको कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका होम पेज जो कि इस तरह खुला हुआ है। तो आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो इसके साइड में बटन है यहाँ पे दिया गया, जैसे माई लाइब्रेरी, अगर कोई बुक्स हो तो यहाँ पे आपकी वो स्टोर जाएगी, और किंडल स्टोर से आप बुक परचेज कर सकते हो। सेटिंग में जाके आप यहाँ पे अपना खुद का अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो, तो किंडल स्टोर में जाके यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे बुक परचेज कर सकते हो या फ्री में डाउनलोड कर सकते हो अगर यहाँ पे दिया गया हो। तो अभी मैंने इसको वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया क्योंकि ये मेरा वाईफाई सही से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिवाइस का ऑप्शन दिया गया, कैसे कैसे आपको जो डिवाइस के टाइमिंग है, जो भी मतलब कैसे इसको रिस्टार्ट, जो भी दिया गया इसके फीचर्स के बारे में यहाँ पे अच्छे से बताया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे इसकी लैंग्वेज और डिक्शनरी जो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो आपकी लैंग्वेज आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ 8-9 लैंग्वेज दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आप चाहे तो अमेजोन इंडिया में जो किंडल स्टोर है वहाँ से हिंदी बुक्स को डाउनलोड करके इसमें आसानी से पढ़ सकते हो, तो जो कि अच्छी बात है। आप इसमें 1000 ऑफ बुक्स कैरी करके लेके जा सकते हो और जब भी आपका मन करे तो आप इसको पढ़ सकते हो। और इसमें अच्छी खास बात यह है कि जब आप इसमें किताब पढ़ोगे इसके अंदर तो आपकी आंखों कोई पेन नहीं होगा, इतनी बुक्स कैरी करके लेके तो जा सकते हैं नहीं फिर भी, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। तो आप चाहो तो इसको परचेज़ कर सकते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसको इजीली परचेज़ कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सामने इस तरह की और भी अनबॉक्सिंग वीडियो ला सकूँ, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।